तो गाइज मैं रोजाना जैसे ड्यूटी जाता हूँ, आज भी मैं ड्यूटी में लॉगिन मतलब कर चुका था, बट टाइमिंग क्या था, रात 8 बजने वाला था, ठीक है। मैं लॉगिन किया, मेरा वॉलेट कुछ पेनल्टी मतलब माइनस हुआ था TDS के लिए, तो मैं लॉगिन करने के बाद रेस्टोरेंट पहुँच गया। सबसे पहले मेरे को ऑर्डर आ गया था, देखिए मैं यहाँ पे ऑर्डर मेरे को मिला, तो ये वाला ऑर्डर को मैं सबसे पहले पिकअप के लिए पहुँचा, ठीक है। ये वाला ऑर्डर को पिकअप के लिए मैं वहाँ से रेस्टोरेंट से लिया, फिर कस्टमर लोकेशन जल्दी से जल्दी निकल पड़ा, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे हाथ में ऑर्डर है और मैं ये पहला वाला ऑर्डर को पिकअप किया, और आज का आपको दिखाऊंगा कि एक एक ऑर्डर में कितना अर्निंग होता है, ठीक है। अभी वो ऑर्डर को कस्टमर लोकेशन को लेकर आ गया, ठीक है, और अभी देख सकते हो। तो फ्रेंड देखिए 31 रुपीज मिला अभी कस्टमर। तो नॉर्मली आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा ही एक दिन में 14 घंटा में ऐसे ही ऑर्डर मारना पड़ता है, एक एक करके मारना पड़ता है। 34 ऑर्डर कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो कि जैसे कि ये 31 मिला, इसी तरह 30, 40, 50, 60 ऐसे मतलब रहता है एवरेज। तो उस एवरेज के हिसाब से एक दिन में 14 घंटा 13 घंटा काम करने में 1500-1600-2000 ऐसे ही होता है। अभी मैं 2nd ऑर्डर पीज मेरे को मिला था, बस शॉर्टली बता रहा हूँ, उसमें भी 32 मतलब देखिए 31 पहला, 2nd 32 मिला है। तो आज तो मूड ही मेरा ख़राब हो गया, तो मैं ड्यूटी बंद किया, जितना माइनस था वो मेरा हट गया। अभी देखिए 2nd ऑर्डर भी मैं डिलीवर कंप्लीट किया, उसमें भी मेरे को मिला 32 रुपीज। तो ये 2 ऑर्डर किया, अभी मोड ऑफ हो गया, ड्यूटी बंद किया, आपको दिखाया। देखिए ये है केले मॉल और मैं केले मॉल का सामने खड़ा हूँ। उसके बाद मैंने रूम आया, रूम का आउटसाइड व्यू थोड़ा देख लो मेरा, मैं पीजी में हूँ 3rd फ्लोर में।